फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद कीर्ति वर्मा में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन से कुछ प्याज लेकर आई हूँ, जिसमें जर्मिनेशन शुरू हो गया है, तो मैं इस टब में इसे लगाऊंगी। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप फूलों के साथ साथ सब्जियों का जब वीडियो बनाए तो शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलिए ये लगा रही हूँ तो इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस गमले में, इस टब में मैंने मिट्टी पहले से ही भर के रखा है और हल्का मस्ट कर दिया है फ्रेंड्स, या 6 इंच लगभग होगा। क्योंकि हम लोग को प्याज हार्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ लीफ ही लेना है मुझे, तो इसकी ऊँचाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी है। और इसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल, 50% गोबर की खाद और 10% सैंड लिया है और उसमें एक मुट्ठी नीम खली मिला दी है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे लगा। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे लगाना चाहिए, लेकिन मैं इसे आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इसमें अंकुरण आया है और मैं इसे यहाँ ऐसे लगा के इसको हल्का सा ढक दूँगी। इसी तरह सारे प्याज को मैं लगा दूंगी इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, लगा के मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा प्याज इसमें लगा दिया है और थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैं इसे ढक दूंगी। ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालिए और इसको ढक दीजिए। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, ये जो जगह थोड़ा थोड़ा बीच में बच गया है, इसमें मैं राई की सीड्स डाल दूंगी। देखिए, ये काले वाले सरसों का सीड है, मैं इसे ऐसे ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके बाद इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो ये इस तरह दोनों पत्ते मिल जाएंगे, सरसों के पत्ते भी मिल जाएंगे और प्याज भी मिल जाएंगे। कुछ दिन में अच्छे तरह इसमें अंकुरण हो जाएगा सरसों में, तो इस तरह हमें दोनों साग एक साथ मिल जाएगा। चूँकि हमको प्याज हार्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ लीफ ही लेना है, तो इस तरह हम इसे लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को फसल लेना है तो फिर बीज से आप लोगों को प्याज के पौध उगाना होगा, फिर उसे लगाना होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर 2-3 सब्जियों की वीडियो है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई थी, तो आप लोग चेक कर लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह इसे फुल सनलाइट में छोड़ दीजिएगा, तो धीरे धीरे इसमें अच्छी तरह से अंकुरण हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।